So, I have shared the case today, 18th of August 2024. So, this case focuses the three case cutoff and case rate cutoff. ये केस है बेसिकली इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा का केस है, जिसको आईटीपी कहते हैं। इसमें प्लेटलेट जो होते हैं वो जाहिर है कि उसकी नॉर्मल से क्वांटिटी कम हो जाती है, और इसीलिए कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा इज द नेम ऑफ डिजीज। और इस पेशेंट का ये इश्यू था कि इसकी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन थी, क्लम्प्स बन जाते थे, और कम तो थे लेकिन वो क्लॉट्स की सूरत में आते थे, एग्रीगेट्स हो जाते थे। इट्स लिटिल बिट एबनॉर्मल और थोड़ा सा डिफरेंट थी बात, रूटीन से आईटीपी के साथ साथ एग्रीगेशन थी। अब द पेशेंट बेसिकली 5 ईयर की चाइल्ड है, तो ये मेरे पास पेशेंट विजिट की है। तो इस विजिट ने ये पेशेंट, तो पेशेंट आई है तो दे कम्स फ्रॉम वेरी फार एरिया, चाइल्ड इज एग्जॉस्टेड एंड इरिटेबल ड्यू टू मेनी विजिट्स टू डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। शी इज अफ्रेड अफ्रेड रिपीटेडली ब्लड टेस्ट। दिस इज नॉर्मल नॉर्मल बात होती है कि जब मतलब कोई बच्चा कोई भी है वो डॉक्टर्स के पास मुसलसल आता रहे और इसको सम इश्यूज हो, तो ये एक बच्चों में कॉमनली देखा जाता है। तो ये एक उसका थी अपना, और जाहिर है कि इतना लॉन्ग ट्रेवल करके आई है तो वो मेरे पास आई पहुंची, तो ये इट वॉज द माई ऑब्जर्वेशन। नाउ मैंने जब उससे पूछा कि टेल मी अबाउट द चाइल्ड, उसकी मदर से पूछा, तो उसने ये मुझे मैंशन किया सब कंजक्टाइवल हेमरेज एंड नोज ब्लीड एवरी सेकंड डे। तो ये उसका बेसिकली जो आंखों के नीचे जो खून आ जाता है वो है जी। और उसके अलावा इसको एपिस्टक्सिस जिसको कहते हैं ब्लीडिंग हो जाती है, नोज ब्लीड हो जाता है इसको। ये इसका बेसिकली इश्यू था इसका। और वी कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स, दे डिस्करेज अस देर इज नो क्योर बिकॉज प्लेटलेट्स आर एबनॉर्मल। उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि इसका तो कोई हल ही नहीं है, और मैनी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। अब उसके बाद फिर कहते हैं जी कि व्हाट इज द मदर अपनी। अब मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा बच्चे के बारे में, तो मदर ये बता रही है अपनी कार में दूसरे, ये मदर की ऑब्जर्वेशन है, अपनी कार में दूसरे बच्चों को नहीं बैठने देती। उसकी मदर ये बता रही है कि जब ये कार में आई है तो ये अपने साथ दूसरे बच्चों को नहीं बैठने देती, और जब इसका नोज उसमें से ब्लड आता है तो फौरन नोज को टिश्यू से साफ करती है और दबा देती है, इसे टिश्यू अपने पास रखती है, ठीक है। और मुझे ये स्पेशली कहती है मेरा टिश्यू और टॉवल मेरे पास ही रखो। ये बच्चे की उसकी मम्मा बताती है, जाहिर है 5 साल की छोटी बच्ची है, और मेरी हर बात मानती है, किसी को तंग नहीं करती। ये मदर की थी। अब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या, बच्ची जो है बड़ी आराम से बैठी हुई है, और हालांकि वो डेफिनेटली ट्रेवल करके आई, इवन देन वो बड़ी आराम से बैठी हुई है, सुकून से बैठी हुई है। मदर फिर कहती मैं बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखती, ये मदर का वर्जन है, कहती मैं बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखती हूँ, कब प्रेगनेंसी में। अब जाहिर है कि असल में जब भी आप केस टेकिंग करते हैं तो केस में आपने वो देखना होता है कि ये जो अगर जो बच्चा है उसकी चाहे, अच्छा एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि चाहे वो उसकी एज पर्सन की कितनी भी हो, अगर उसकी डिजीज, उसकी डिजीज अगर मदर के माँ से पेट से स्टार्ट होती है उसकी, तो फिर आपको उस हिस्ट्री में मदर की हिस्ट्री उस वक्त जरूरी हो जाती है। इसलिए जरूरी नहीं चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, इवन मैंने 40 ईयर के लोगों का भी देखा है कि अगर उसका डिजीज जो होता है स्टार्ट मदर से हो रही है, तो यू हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द मदर मस्ट। अब मदर ये कहती है कि मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ, प्रेगनेंसी में घर के पास सिलेंडर का एक्सप्लोसिव हुआ था, वो खौफ मुझे नहीं भूलता, आज भी कहीं दिमाग का होता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। ये है केस। अब आपसे पहले तो ये कि जितने भी सिम्टम्स आए हैं, तो मैंने ये बड़े, तब भी हम केस लेते हैं उस केस में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है वो हमने ये देखना होता है कि केस में कौन सी ऐसी बात है
जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आपने वो देखना होता है कि कौन से किस बात को हम लें और किसको ना लें। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि अपना इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आप मुझे जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसको बंद एक करेंगे कोई दरवाजे जी जी प्लीज कोई बता सकते हैं ऐसी ऐसा सिम्टम कौन सा सिम्टम है जिसमें हम जिस पे 100% हम समझे कि कॉन्फिडेंस है, ये सिम्टम बहुत इम्पोर्टेंट को, वो डर भी है, वो जो डर जो उसका खौफ जो बैठा है उसके दिमाग में, बिल्कुल ठीक उस ठीक है खौफ को ले सकते हैं। वेरी राइट वेरी राइट वेरी राइट। तो और कोई इस बारे में बता सकते हैं प्लीज कौन सा सिम्टम ऐसा है कि जिसको हम ये अपना डॉक्टर सेन साहब का जवाब यह है कि इसका जो खौफ बैठा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम डॉक्टर हुसैन मुलानी साहब के रेफरेंस से। आप कोई बता सकते हैं कोई और कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसको हम समझते हैं कि इस सिम्टम्स को हमने इसमें मस्त लेना है। जी जी एनीवन एल्स चलिए सर ये किसी का माइक ओपन हो चुका है, आप प्लीज उन्हें म्यूट कर दें। अच्छा जी जी प्लीज हेलो सर, हेलो जी सर, प्लीज नमस्ते। हाँ, जी नमस्ते प्लीज ये जो 5 साल का बच्चा है, इसको ये टिश्यू रेडी रखना चाहिए इसके लिए। ये बहुत पिक्यूलियर है सर, जो ब्लीडिंग रोकने के लिए। हाँ, जी। तो ये कौन बहुत पिक्यूलियर है, सा सर सिम्टम है? ये जो ब्लीडिंग रोकने के लिए ये बोलता है ना कि टिश्यू रेडी रखना, मम्मी को बोलता है ना। जी अच्छा तो हाँ, इसको इसको हमने फोसियस लिया सर, फर्स्ट या क्या लिए फिर फर्स्ट फोसियस। टीडीएस ओके ठीक है ठीक ठीक फर्स्ट टीडीएस ओके थैंक यू जी थैंक यू। अब हमने सिर्फ देखना है कि वो कौन सा ऐसा देखिए बेसिकली आपको मैं चीज यहाँ बताना ये चाहता हूँ। केस आपका जब भी हम कोई केस पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक सारे केस में से एक बात ऐसी उठानी है जिस पे आप समझते हैं कि आप 100% आपका कॉन्फिडेंस होता है फिर आप राइट लेफ्ट आप जाएंगे। अगर आप उस सिम्टम्स में नहीं एक सिम्टम तो आपका 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसलिए आप आपकी नजर में ये जो सिम्टम आपने बताया नाक साफ करते तो इट्स ओके ये आपकी नजर में ये वाला सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी रूबरी भी आपने बता दी फर्स्ट डिटेल्स जी। एनीवन एल्स ओके चले। तो डॉक्टर हुसैन साहब आपने मुझे ये बताया कि ये जो ये बताया जी अपना डॉक्टर नीलम फियर एक्स्ट्रा वेगस हो सकता है सर क्या? देखिए आप मुझे पहले सिम्टम बताए रूबरिक उसका लगाना बाद की बात है। पहले तो आप जो कुछ आपने रीड किया है ना सिम्टम्स उस सिम्टम्स को करें रूब्रिक उसके बाद उस पर हम देखेंगे रूब्रिक क्या पॉसिबल है। तो वो तो हम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता सेकंड ऑप्शन आती है। सबसे पहले आपका यानी डायरेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस व्हाट सिम्टम इज इंपॉर्टेंट देन वी हैव टू गो टू द रूब्रिक उसकी पॉसिबल रूब्रिक क्या हो सकती है। प्राइड सर तो किसी को पक्की है तांग नहीं सर, करता है ये बच्चा। जी सॉरी सॉरी क्या कह रहे हैं आपने भागने का करता है सर मैं बोल रहा था कि ये किसी को तांग नहीं करता है, इसको सब कुछ समझता है, हाँ ये बात बहुत स्माइल स्माइल समझता है है। ठीक है ठीक आपकी नजर में ये वाला सिम्टम इंपॉर्टेंट है ओबीडियंट है ठीक है ओके जी प्लीज इस पे भी आप डिस्कस कर लेंगे ओबीडियंट जी। एनीवन एल्स अगर आप खुद केस हल कर लें तो बहुत अच्छा मुझे होगा वो सर उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो उसका वो समय था, प्रेगनेंसी के वक्त का जो उसके साथ हादसा हुआ था, वो जी दिमाग में जो उसके बिल्कुल बस गए हैं वो निकल नहीं रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है केस में, बाकी और तो जी सिम्टम बिल्कुल है बहुत ही इस तरह वेरी से भी राइट कह रहे हैं। जी वेरी राइट डॉक्टर सेन। देखिए आप जिस भी फास्टिडियस चीज पे है, ओबेडियंट है,
देखिए मैं सब आपको, बराबर से करती देखिए डॉक्टर साहब आपको एक बात बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ क्लैरिटी किस चीज की है, वो क्लैरिटी ये है कि आप आपकी आप, यही है आपका स्टाइल, आपकी एक्सपर्टीज यही है, अपना अपना इंडिविजुअल केस करें जिस पे आप खड़े हैं। एक सिम्टम पे तो आप खड़े हो ना, एक्चुअली इस इश्यू होता है कि आपने किसी एक सिम्टम में खड़े होना होता है और कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे उसके रीजन कुछ भी हो। अगर उसका भी आपको फायदा नुकसान बताता हूँ, लेट्स सी। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने मेंशन किया जी कि फर्स्ट सीरियस का वर्ड यूज किया कि नहीं, वो सफाई पसंद है, ठीक है, ये उनका उनकी नजर में ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ओके, अब ये होता है जब आपके जिम्मे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जब आपका केस सॉल्व होता है, यानी आप समझते हैं ये केस इंपॉर्टेंट है, उसका ये रूब्रिक इंपॉर्टेंट, अगरचे वो रूब्रिक उस पर प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंट है, दैट इज समथिंग एल्स। अब इसकी फिर राइट लेफ्ट में आपने जाना होता है, तो आपको जब केस सॉल्व हो जाता है तो उस वक्त आपको ये पता चलता है कि जिसको मैं इंपॉर्टेंट समझता था वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, हाउ मच आई वाज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, यानी कि आपके उस से कितना दूर हैं आप, यानी आप एक ग्रेड 1 2 3 4, फिर आपको उसको ग्रेजुअली फिर आप अपने आप को उसके नजदीक ले आते हैं। इसका फायदा ये होता है आपको फिर अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज है उसमें कितनी ज्यादा मजीद उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत होती है, ये फायदा होता है। ये नहीं होता कि आपने निकालना कोई बड़े, इसलिए आप निकालना लाजमी करें, चाहे आप कुछ भी बताएं, चाहे गलत बताएं, चाहे जैसा बताएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद अंदाजा होगा कि वेयर यू आर स्टैंड। अब जिस तरह ये अभी बताया जी अपना व्हाट अबाउट, नहीं कार में किसी को बैठने नहीं देती, मूड रिपल्सिव है, अपने पास टिश्यू रखती है, मदर की भाई बोलती है, टिश्यू का कॉशियस। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मूड रिपल्सिव और कॉशियस क्या होता है। बहरहाल आपने सिम्टम बताया तो उसके बाद मैं रूब्रिक एक्सप्लेन कर दूं। आपकी नजर में ये बात वो होती है किसी को बैठने नहीं देती, ठीक है, तो ये आपकी नजर में ये एक बात है, इसकी रूब्रिक क्या पॉसिबल है वो बात की बात है जी। ये डॉक्टर गुल साहब, ठीक है जी, प्लीज एनीवन एल्स। कोई और जो आप इस पे देना चाहते हैं फिर चलते हैं आगे। तो सो अच्छा, अब हम आते हैं जी कि चले इस तरह के जो इसमें रूब्रिक इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ हम आते हैं। देखिए पहली बात होती है कि जब भी आप केस को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने में आप देखिए कौन सी ऐसी बात आती है। अगर आप पूरा केस करते हैं तो उसमें हमारे पास दे आर थ्री थिंग्स होती हैं। एक होती है व्हाट वाज द बेस, व्हाई द केस, क्या लाइफ में क्या खास वाकया हुआ, नंबर वन। नंबर टू इसको एलिमेंट कहते हैं, अगर इसको आप करें कार को लगे एडेप्टेशन, उसकी एडेप्टेशन देखी जाती है, नंबर वन। नंबर टू उस पे कंसर्न देखा जाता है, नंबर थ्री रिएक्शन देखा जाता है, ये तीन बातें देखते हैं। अब इस केस में अगर आप देखें तो वो जो कि जो मदर से स्टार्ट होती है, तो वो जाहिर है इसको बचपन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, पिस्टेक्सिस वाला और इसका इश्यूज है, तो ये प्रॉब्लम है इसको काफी। अब हमने देखना क्या होता है कि उसकी लाइफ में क्या इश्यूज है, तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा मेंशन के डॉक्टर सेन साहब ने कि उसको एक उसकी मदर ने कहा कि एक्सप्लोजिव हुआ था और उससे वो डरी थी मैं, और आज तक वो डर लगता है। मजे की बात है कि वो इश्यू हुआ था वो आज तक, डिफरेंट बात है, यूनिक बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस वो उसके साथ ये भी मेंशन किया कि आज तक मुझे डर लगता है, अगरचे वो जरूरी नहीं होता कि जहां पर, चूंकि कई दफा जैसे मदर फीडिंग कर रही थी उसकी इंपॉर्टेंट होती, चूंकि वो एक वाकया हो चुका है और लाइफ में वो एडोप्टेशन के लिए इनफ होता है, तो ये वाला वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे की सूरत में। अब अगला कह सकता है कि व्हाट विल द रूब्रिक फॉर दिस, एक एक्सप्लोसिव हुआ था तो एक्सप्लोसिव होने से क्या रूब्रिक क्या पॉसिबल है, आप रूब्रिक की तरफ आते हैं, आपकी नजर में क्या रूब्रिक पॉसिबल है। सर एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट ओल्ड फ्राइट ऐसा कुछ ओके, लिया था मैंने। वेरी राइट, वेरी राइट। ये है देखिए, आप असल में जिस चीज से आप, एक होता है फियर, एक होता है आपके पास फ्राइट। फ्राइट होता है कि जिसमें आप सडन किस चीज की सुनते हैं तो उसमें सडननेस आती है, इसकी रूब्रिक क्या होगी, जो रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट ओल्ड फ्राइट,
ये इसकी रूपरेखा है, बिल्कुल वेरी राइट। इसकी पहली रूपरेखा हमारे पास क्या बनती है, वो रूपरेखा ये रूपरेखा आएगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड ओल्ड फ्राइड। अब हमारे पास दो, इसमें दो ही मेडिसिन आ रही हैं, दोनों को हम देखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट रूपरेखा क्या होती है, पॉसिबल होती है, उस तरफ आते हैं हम। उसके बाद हमारे पास क्या केस में वो कहती है कि इसको ले जाता हूं मैं साथ साथ, आपको इधर शेयर भी करता हूं मैं। अब यहां पर इसको मैं साथ साथ पढ़ लेता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। इसको वी कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स, तो बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया। दे डिस्करेज अस, देयर इज नो क्योर बिकॉज प्लेटलेट्स आर एब्नॉर्मल मियोकाइट। अब ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चूंकि बच्चे का वर्जन आएंगे, ये अभी के वर्जन है मम्मा का, मदर का, तो लिहाजा इसकी सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ये मरीज कहे जी मैंने बहुत से डॉक्टर को कंसल्ट किया है और अब हम मायूस हो चुके हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मदर इस वक्त 5 साल की बच्ची है, उसको फीडिंग नहीं दे रही, अगर फीडिंग दे रही होती, दूध पिला रही होती, तो फिर हम इस सिम्टम को भी ले सकते थे। तो लिहाजा ये सिम्टम अभी का है, तो इसको हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वरना इसकी रूपरेखा होती है वी कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स, दे डिस्करेज अस डिस्पायर रिकवरी ऑफ कंसल्टेड में एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस। अब वो बच्ची कहती अपनी कार में दूसरे बच्चों को नहीं बैठने देती। अब आपने यहाँ पर आपने मैडम एक इधर सॉरी एक आपने वो किया था इसके लिए, आपने रूब्रिक मूड रिपल्सिव का लगाया था आपने, और एक लफ्ज होता है मूड रिपल्सिव। अब इसको अगर हम रूब्रिक उठाते हैं, जरा थोड़ा गौर कीजिएगा, सेटिंग में थोड़ा सा जहन में आ गया, बच्चा बांध के सोचे एक जगह खास जगह बच्चे बैठे हुए हैं, या कोई गेम कर खेल रहे हैं, इवन गाड़ी में कोई ऐसे झूले पे बैठ रहे हैं, वो बाकी बच्चों को नहीं बैठने दे रही, बच्चे नहीं बैठ रहे झूले में कर रहे, तो वो उसके उसकी रीजन, बच्चों की नजर में क्या रीजन हो सकती है, आप क्या कहेंगे, ये बच्चा क्या क्यों नहीं बैठने दे रहा। जेलसी, वेरी राइट, सेल्फिशनेस नहीं हुआ, जेलसी हुआ भाई, ये बिल्कुल, ये जेलसी, असली बच्चे क्या कहते हैं, ये बच्चों में जेलसी है। तो डॉक्टर नीलम ने बताया जी जेलसी, इसको सेल्फिश नहीं होगा, जेलसी होगा, मूड रिपल्सिव भी नहीं होगा, ये क्या होगा, गाड़ी में दूसरे बच्चों को बैठने नहीं दे रही। तो अब हमारे हमने रूब्रिक लगानी है जेलसी की, रूब्रिक लगानी, ये रिकवरी लगा दी। इसमें कोई सब भी होती है अपना, ये इसकी राइट रूब्रिक क्या है, जेलसी चिल्ड्रन बिटवीन, चिल्ड्रन इन बिटवीन ये सबसे ज्यादा राइट रूब्रिक है, वो रूब्रिक जो है ना राइट नहीं है। सर, चिल्ड्रन इन और बिटवीन में क्या फर्क है? चिल्ड्रन चिल्ड्रन, सॉरी दोबारा पूछे, इन एंड चिल्ड्रन जेलसी इन, चिल्ड्रन बिटवीन हाँ चिल्ड्रन इन और चिल्ड्रन बिटवीन में क्या डिफरेंस है इसका। चिल्ड्रन बिटवीन मैंने कि आपके बहुत सारे बच्चों के दरमियान, तो चिल्ड्रन इन का मतलब वो इंडिविजुअली बच्चे ही, आप अगर बड़ों की रूबरेखा उठाते हैं तो वो जेलसी हो गई, खाली बच्चों की लेते हैं कि ये बच्चा हमारा, जो वो कहते हैं ये बच्चा जो है वो हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जेलसी है, उस पर मदर के साथ जेलसी भी कर सकते हैं, फादर के साथ भी कर सकते हैं, किसी और के साथ भी बच्चा कर सकते हैं, उसमें हम रूब्रिक लिखते हैं जेलसी चिल्ड्रन इन, बच्चों की रूब्रिक को जेलसी चिल्ड्रन इन होगा, और इसलिए बच्चों के लिए स्पेसिफिक आ जाएगी। बिटवीन मीन के वो सिर्फ बच्चों के दरमियान करता है, यानी उसका बाकी के साथ कंपेरिजन नहीं है, मदर फादर के साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है। तो हमारे पास दूसरी रूब्रिक क्या आएगी, जेलसी चिल्ड्रन बिटवीन केस, तो यहाँ पर आपका नेचुरल कैसे हम सॉल्व करेंगे।
उसके बाद कहती है कि अपना मुझे स्पेशली कहती है मेरा टिश्यू और टॉवल मेरे पास रखो, मुझे कहती है। एक आप ये भी है, ये वाली रूब्रिक फौरन नोज को टिश्यू से साफ, इसमें जब नोज से ब्लड आता है तो फौरन नोज को टिश्यू से दबा लेती है और टिश्यू अपने पास रखती है। मुझे स्पेशली कहती है मेरा टिश्यू और टॉवल मेरे पास रखो। व्हाट विल द रूब्रिक ऑफ दिस, क्या पास है? ये बच्चे की पर्सनालिटी को क्या कहेंगे आप? हर बात मानती है, किसी को तंग नहीं करती। उससे पहले वाला वर्जन टिश्यू अपने पास रखती है, अगर टिश्यू टॉवल सब कुछ करती है। हाँ, एक आपके कहता है जी प्रॉपर टू। अब प्रॉपर टू में क्या फर्क होता है कि प्रॉपर टू का मतलब ये होता है कि यू आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, यानी कि आपको मैं कहता हूँ यार कि आप इस तरह कि आपने 7 बजे टाइम है जूम का, यू विल बी रीच एट द, एक पंक्चुअल होता है तो आप पूरा अरेंजमेंट करके, आप उस माइक लगा के और सेट होके प्रॉपर तरीके से अपना, अगर आपने वीडियो ऑन करनी है तो आपने सामने लाइट लगानी है, अगर आपने कोई चेहरे का कोई इशू है तो बालों को ऐसे करके, कपड़े प्रॉपर ड्रेस पहन के, तो इसको कहेंगे प्रॉपर टू है पर्सन। तो यहाँ पर ऐसा इश्यू तो नहीं है ना, और क्या पॉसिबल है? कॉशियस। अब कॉशियस का मतलब एहतियात करना, एहतियात करने का मतलब क्या होता है कि प्रिकॉशन जिसको कहते हैं, कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, जिस तरह आपकी, जब आप कहते हैं कि आप, मैं आपको कहता हूँ जी आपको डायबिटीज है, तो आप कहते हैं जी कि मैंने हर चीज की एहतियात करता हूँ, ये चीज नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो यानी ऐसी चीजें जो होती है मैं नहीं करता। आई एम श्योर कॉशन को पूरा, मैं जितनी डॉक्टर ने एहतियात बताई है, मैं एहतियात होती वो करता हूँ मैं, यहाँ पर एहतियात नहीं आएगी जी। उसके बाद कॉशियस एंड केयरफुल। केयरफुल का मतलब आमतौर पे होता तो केयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कॉशियस और केयरफुल नहीं आएगा जी। प्लीज एनीवन एल्स? बच्ची है 5 साल की, उसे क्या पता कॉशियस क्या होता है, उसे क्या पता प्रॉपर टू क्या होता है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है कि आप अलर्ट मतलब होता है कि आप कोई एक्सीडेंट होने वाला, कुछ होने वाला है तो आप फौरन उस चीज की तरफ से ओवर कंसर्न होते हैं, इसको कहते हैं अलर्ट। फास्टिडियस का तो चले हम आते हैं, वो ऊपर लगेगा। प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम करना का मतलब होता है कि पहले से आपने प्लानिंग करनी होती है, ये कि आपके जहन में एक चीज चल रही होती है। प्रिकॉसिटी, ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल डॉक्टर सबराना पटेल आपने बिल्कुल सही कहा। तो दिस, ये मेच्योरिटी है बच्चों की। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन क्या है, ये प्रिकॉशियस है, यानी बच्चा मेच्योर है, उसको पता है मैंने मेरी मेरा इश्यूज है ये और ये है, वो अपने टिश्यू या टॉवल अपने पास रखेगी, ये करेगी, ये कौन करता है, मेच्योर पर्सन करता है। ये बच्ची क्या है, प्रिकॉशियस है। तो सो वेरी राइट, थैंक यू जी, आपने बड़ा राइटली पिक किया है वर्ड ये, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिकॉशियस चिल्ड्रन, प्रिकॉसिटी है इसको कहेंगे, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, PRECOCITY, प्रिकॉसिटी। ये देखिए ये रूब्रिक कहाँ है, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबकी बात मानती है, आपने कहा सबकी बात मानती है, तो ये ओबीडियंट का एक वर्ड मुझे आपने शेयर किया था, सबकी बात मानती है, और कोई वर्ड आपके जहन में आता है? तो यहाँ पर आपकी रूब्रिक लगेगी, चले इसको मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं कि अगर कोई बताना चाहते हैं तो मैं बता दें, सबकी बात मानती, यील्डिंग डिस्पोजिशन। वेरी राइट डॉक्टर नीलम, वेरी राइट, आपने बड़ा अच्छा इसका मेंशन किया। इसकी रूब्रिक आगे बच्चों में आमतौर पर यील्डिंग होता है कि बात सुनती है, मानती है। ओबीडियंट और यील्डिंग डिस्पोजिशन में डिफरेंस क्या होता है? ओबीडियंट का मतलब ये होता है कि ताबेदार होना, जिस तरह आप कोई शुरू में एप्लीकेशन देखते थे स्कूल में, योर ओबीडियंट, तो वो ओबीडियंट का मतलब होता है कि आप उनकी बात, उनके कानून को ताबे करते। ये बेसिकली एक
इनफॉर्मल सी टर्म होती है ओबीडियंस, यानी कि आप चीजों को, चाहे आपने मुझे छुट्टी के कहा तो करूंगा, नहीं किया तो यील्डिंग का मतलब ये होता है कि ये सॉरी ये सॉरी वो फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल होता है। रूटीन में आप जैसा बच्चों कहते हैं बेटा ये काम ना करो, ये गंदी हो जाओगे, ये उठा के साइड पे रखो, तो ये बर्तन उठा के उधर ले आओ, ये ऐसे कर लो, ये कपड़े नहीं पहनो, ये पहन लो, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है। ठीक है, मतलब वहां पर ओबीडियंट होना, ओबीडियंट आमतौर पर यूज किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, आप कहते हैं कि आपने स्कूल जाते हैं, ये स्कूल ना पढ़े, ये स्कूल आपके लिए अच्छा नहीं है, इस स्कूल में जाना है आपने, तो वो कहते हैं ओके आपने ये चीज नहीं खरीदनी, ये खरीदनी है, तो कहते हैं जैसे आप कहेंगे मैं मानूंगा, उस वहां पर ओबीडियंट लगाएंगे। यील्डिंग के लिए आप तौर पे क्या होता है कि आप डेली की रूटीन के जो आपके होते हैं उनमें आप उनको कहते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे, वो बात बच्चे आगे से जिद नहीं करते, ठीक है जी उठो बेटा खेलना नहीं है, खेलना बंद करो, मम्मा जाके कहती है कि जाओ अपना आप छोड़ दो मोबाइल को, तो बच्चा उठ के क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो वहां पर हम रुपये लगाएंगे, ऐसी उसके लिए यील्डिंग डिस्पोजिशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आगे वर्जन आ जाता है, ना चाहते हुए भी मान लेती है, बिल्कुल सही। अब हमारे पास क्या होता है कि बहुत आराम से फादर के पास बैठी हुई है, अच्छा अब यहाँ पर ये बस एक रूपरेखा और लगानी है, लगाते हैं इसका अगर वो लगा दे तो हम ठीक है, ना लगाए तो भी ठीक है। एस आई डब्ल्यू सिटिंग, बड़े आराम से सुकून से बैठी हुई है, तो सिटिंग इन रिलेशन टू सिट, बस तो ये हमारी रूब्रिक लगी, तुम्हारा केस के जाए नेट पर। तो अब देखिए बच्चा जो है ये हमारे पास, हमने क्या किया, प्रिकॉस्टिटाई जेलसी चिल्ड्रन बिटवीन और एलिमेंट ऑफ फ्राइट एंड ओल्ड फ्राइट आ गया, ये रूब्रिक लगाए या ना लगाए इसको इतनी वैसे लेस सिग्निफिकेंट है बस, तो केस आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, इट वाज नेट टू मेन। अब आते हैं जी कि अब आपका क्वेश्चन आता है जी कि देखिए होम्योपैथी में हम बेसिकली क्या डील करते हैं, पर्सन डील करते, डिजीज को डायरेक्ट डील नहीं करते, उसकी वजह से जो आपके अंदर आपकी जो इश्यूज होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और हम वी आर गोइंग टू रीच द पर्सन। अब आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर कोई डिजीज नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, अब यहाँ पर आपके दो कहते हैं, एक होती है क्रॉनिक डिजीज है तो एक्यूट डिजीज, ये डिजीज एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक, ये वाली दोनों, इसमें एक्यूटनेस भी इस देयर है कि एमरजेंसी चाहिए और क्रॉनिक उठाने और हमारे पास उसकी जो एडेप्टेशन है वो भी उठानी। अब हमारे पास दोनों में जाना है, अब दोनों में आप कहेंगे कई दफा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों को कैसे उठाएंगे, मैं मिसाल देता हूँ, अगर इस बच्ची का ओल्ड फ्राइड इशू था, अगर ये सिर्फ एक्यूट होता, ये कहते जी मुझे सिर्फ 10 दिन से तकलीफ है, इससे पहले कभी तकलीफ नहीं थी। अब हमारा जो अगर आप देखें एक वर्ड होता है हमारे पास ट्रिपल पी, प्रेजेंट परसिस्टेंट प्री डोमिनेंट, कि हम उसकी एडेप्टेशन, मदर को खौफ हुआ था और मदर को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खौफ हुआ था, अगर इस बच्ची को 10 डेज से अगर एपिस्टेक्सिस होता तो हम इसको एडेप्टेशन ना उठाते, उस पे लेस परसिस्टेंट नहीं होगा। ट्रिपल पी में एक वर्ड होता है प्रेजेंट परसिस्टेंट प्री डोमिनेंट, परसिस्टेंट का मतलब जब से बीमारी शुरू हुई है अभी तक होनी चाहिए, लगातार चल रही है, सेंटर में इंटरवल नहीं था, ना तो पहले हुई ना दरमियान में थी, एंड भी तो है, तो प्रेजेंट तो होना जरूरी है, परसिस्टेंट होना जरूरी है, तो लिहाजा अब क्रॉनिक केस में ये वाला रूल अप्लाई होगा कि वो उसका जो इश्यूज है वो डे 1 से आ रहा है, तो क्रॉनिक में इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है, लेकिन एक्यूट में आप अगर वो सेंटर में अगर कुछ महीना 2 महीने गैप ही था, जाहिर है कि कुछ ना कुछ गैप होगा, जाहिर है कुछ जब बच्चा पैदा हो फौरन तो नहीं होगी डिजीज, तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये कि इसमें उस फिर हम एक्यूट केसेस में इसकी सिग्निफिकेंट न होती,
फिर हम इस सिम्टम को ना लेते। अब चूंकि ये क्रॉनिक एज वेल एज एक्यूट है, तो लिहाजा सिम्टम की इंपॉर्टेंस आ गई। इसी तरह फिर आप एक्यूट में हमने कौन सा सिम्टम आप कहेंगे कि एक्यूट वाला लिए है? प्रिकॉस्टली ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मेच्योरिटी बच्चे के अंदर है, ये बात एज ए होल उसके अंदर ठीक है, यानी पूरी पर्सनालिटी है उसकी, ये बात सुनती है। लेकिन उसके अंदर क्या चीजें नहीं है? जेलसी वाली बात, जेलसी वाला जो सिम्टम हमने उठाया है तो जाहिर है कि वो आजकल का है, करंट है, कि वो गाड़ी में दूसरे बच्चों को नहीं बैठने दे रही। ये एक अगर वो उसको तकलीफ हो रही है, अब इसके अंदर जेलसी क्यों है? ये बेसिकली डिग्निफाइड बच्चे पेशेंट डिग्निफाइड होते हैं नेचर में, तो वो थोड़ा सा अपने आप को वो डिस्टेंस हाइड करती है अपने प्रॉब्लम्स को सबको, तो ये उसके अंदर रीजन होती है कि वो जेलसी इस वजह से कर रही है कि दे शुड नॉट सिट विद मी एंड दे विल सी इट, मेरी चीजें होंगी तो मेरा एक एक जेलसी के पीछे और हाइड करना, ये उसके पीछे आता है। अब यहाँ पर ये वाला सिम्टम जो है ना हमने उठाया एज ए क्यूटनेस की वजह से, तो इस वजह से इस सिम्टम की इंपॉर्टेंस आ जाती है, जेलसी विद चिल्ड्रन बिटवीन। ये करंट सिम्टम है, करंट से मुराद होता है कि उसमें तो ट्रिपल पी तो लागू हो जाएगा, लेकिन डे ऑफ ओरिजिन से नहीं है। आपको अगर 2 साल पीछे चले तो हो सकता है ऐसा ना हो, अगर आप उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, आज से 2 साल पहले भी इसके अंदर ये चीज थी, उसकी सिग्निफिकेंस है, उसको तो वैसे भी छोटी थी लेकिन साल पहले तो नहीं छोटी थी, लेकिन आप चूंकि अब अपने इसमें एक्यूटनेस भी है और क्रॉनिक भी है, लिहाजा इस सिम्टम की इंपॉर्टेंट आ जाएगी। उसके बाद फिर अगली बात है कि व्हाट वाज द डोजेस, व्हाट वाज द पोटेंसी। देखिए जो मैंने ये देखा ही है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन में आया, ये टोटल फिजिकल इश्यूज है, इसका जो एलिमेंट ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो वो फेस जो फ्राइड था, इट वाज ओल्ड फ्राइड, वो उसकी जीन्स में, उसके अंदर लाइफ में, बॉडी में मदर के दौरान एक चला गया, तो यहाँ पर आपको यानी उसकी जो इंटेंसिटी है वो नहीं है, उस मेंटल सिम्टम की इंटेंसिटी नहीं है, तो लिहाजा वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट रेमेडी, इसको ग्रेजुअली हमने कवर करना। कोई इमरजेंसी वाली बात, बेशक इमरजेंसी प्लेटलेट्स काम हो गए, क्योंकि प्लेटलेट्स काफी अरसे से काम है, तो लिहाजा हमने क्या करना है कि इसको टोटली फिजिकल इश्यूज है, तो इसमें हमने क्या किया, नेट्रोमेर 6 दिए मैंने इसको डोज, और इसको मैंने डोज क्या दिए कि नेट्रोमेर 6 दिए, और साथ ही मैंने मेंशन कर दिया कि आपने नेट्रोमेर पहले वो दिन में कितनी दफा होता है, तो वो ये कहती कि हर थोड़ी देर बाद 2 2 घंटे 3 घंटे बाद ब्लीडिंग होती है, फिर दबाना पड़ता है, फिर हो जाती है घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो मैंने उससे कहा कि नेट्रोमेर 6 की उसको यहाँ ही दी, 2 4 3 घंटे उसको मैंने अपने क्लिनिक में एज ए ऑब्जर्वेशन रखा है, तो 3 घंटे तक उसको तकरीबन इससे ज्यादा टाइम रही मेरे पास, तो उसको किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनको मैंने मेडिसिन साथ दे के भेज दिया, चाहे दूर से आए थे, तो मैंने उन्हें साथ ये मेंशन कर दिया कि आपने मुझे अपडेट करना है साथ साथ, तो अभी आप, तो फिर उन्होंने जब वो पहुंचे घर पे, कहते हैं जी हम कोई 4 5 घंटे का हमारा ट्रेवल था, उस दौरान भी ब्लीडिंग कोई नहीं हुई, नेक्स्ट डे ब्लीडिंग हुई है, अब उसका बेसिकली इंटरवल बढ़ गया, उसका कहना मैं चाहता हूँ उसका इंटरवल बढ़ गया पहले एक डोज से, तो सो यू हैव टू वेट फॉर टू नेक्स्ट डोज। अब उसने अगले दिन, उसको दिन में 2 दफा हुआ है, तो मैंने कहा जी आपका इंटरवल बढ़ा रहा है अभी भी वेट करें। थर्ड डे उसने कहा दिन में 4 दफा हुआ, तो मैंने कहा आप इसकी एक डोज और दे दें, फिर मैंने नेट्रोमेर उसकी 6 को रिपीट किया, तो उसके बाद दोबारा उसका इंटरवल जो है वो प्लेसबो साथ मैंने रखी थी, उसके उनको साथ प्लेसबो दे दें, तो बाकी क्या, तो उनको मैंने कहा वेट करें वेट, तो थर्ड डे जाके हमें एक डोज उसको देनी पड़ी, तो उस दौरान फिर उसका वक्फा और 2 3 दिन तक उसको नहीं हुई, चौथे दिन फिर हुई है हल्की सी, कोई बात नहीं वेट वेट, कोई 10 एक दिन के बाद फिर 2 3 दफा हुई है, फिर मैंने उसको कहा जी का आफ्टर फिर एक डोज रिपीट कर ले नेट्रोमेर 6 की, तो इस तरह करते करते पेशेंट ने मेरे पास 15 डेज के बाद विजिट की, जस्ट सी वही किया, वॉच किया एंड सी किया, उसका अपने केस को रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद उसको मैंने मेडिसिन वही देख दी दोबारा, तो इस तरह क्या हुआ कि वो इस पेशेंट को मैंने तकरीबन 2 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, कोई 6 महीने बाद दोबारा एक दफा ब्लीडिंग हुई, मेडिसिन उसकी डोज नहीं, प्लेसबो उसके देते रहे, 6 महीने बाद उसका दोबारा हमने किया,
जस्ट उसको मेडिसिन की, प्लेटलेट्स की जो था वो साथ साथ में उसकी मॉनिटर कराता रहा मैं, तो ग्रेजुअली इट वाज इंक्रीजिंग, करते रहे तो उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, उनका इश्यू रहा ही नहीं था। तो उसके बाद कुछ 2 साल बाद दोबारा भी एक दफा मेरे पास आए थे कि डॉक्टर साहब इसके एक दफा मॉम ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग की रीजन ये थी कि उसने जाहिर है उसके नाक पे उंगली डाली, तो उसके टेस्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि होम्योपैथी में जो मेरा कंसेप्ट क्या है, उसमें आवाज कटती है सर, आवाज कट रही है आपकी बीच बीच में। ओके जी प्लीज प्लीज मैं दोबारा देखता हूँ मैं। अच्छा होम्योपैथी में एक चीज को आपको मैं बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स का बता दूँ, हमें किसी के साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी, हमें देखना ही होता है कि आपने जो केस आप करते हैं उसको वर्जन प्रॉपर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होनी, और आपने एविडेंस देना होता है कि हमने ये एक रेमेडी दे रहे हैं, जो ऑर्गेनन आप ऑर्गेनन ये बताती है कि आपको पास लॉजिक होना चाहिए, आपने ये सिम्टम उठाया क्यों है, ये क्यों नहीं लिया, ये कि दूसरा क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, आपके पास इसका आपके पास लॉजिक होना चाहिए नंबर वन। नंबर टू आपके पास उसकी रेपर्टोरियल चार्ट रूब्रिक्स हो आपकी, ये नहीं होता कि आप अंदाजे से नहीं करना, एक्चुअली ये होता है कि देयर फ्यू पीपल, बहुत से लोग आपको पता है मल्टी डायमेंशन में जाते हैं, ये ले ली वो ले ली, हमारा ये कंसर्न नहीं है कि वो उन्होंने क्या दिया, लेकिन आपने जब आपने केस प्रेजेंट करना होता है तो आपने अपना पेशेंट पे काम करना होता है, तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, आपने क्यों लिया क्यों नहीं लिया, तो उसमें केस को ठीक होना चाहिए, और वो केस जो ठीक होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ आप ऑर्गेनन के मुताबिक होगा। अगर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वैसे भी 10 दवाइयां दे दी उनमें से हो सकता है नेट्रोमेर भी आपने डाल के दे दी हो, वो क्रेडिट होम्योपैथी को नहीं जाएगा और ना आपको जाएगा केस, आपने तो तुक्के अंदाजे से कर दिया, इसलिए हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि सिंगल सर रेमेडी नंबर एक, नंबर एक, नंबर टू एविडेंस, एविडेंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए, रेपर्टोरियल चार्ट आपका अच्छा। फिर उसके बाद एक और चीज इम्पोर्टेंट होती है, जिस तरह मैंने अभी रूब्रिक उठाई है ओल्ड फ्राइड वाली रूब्रिक है, तो आपके पास ये आपने डिफरेंट रेपर्टरी से देखनी होती है कि कई दफा आपने एक रेपर्टरी से कंसल्ट किया उसमें 2 मेडिसिन है फॉर एग्जाम्पल, दूसरी रेपर्टरी है उसमें 5 है, तीसरी में 2 है, 5 7 है, तो एंड पे आप जब दूसरी मुख्तलिफ रेपर्टरीज को उठाते हैं आप, तो आपके पास फिर उसको सेग्रीगेट करने का भी आपके पास होना चाहिए, ये नहीं होता कि आपने तो ले ली रूब्रिक लेकिन आप कहें यार मुझे तो आप मैंने रूब्रिक उठा ली है तो उसमें तो मेडिसिन 2 3 आ रही है एक जैसी, तो अब मेरे मेरे इश्यू बन गया कि मैं उसको कैसे डिस्टिंग्विश, यू हैव अ राइट, यू हैव अ उसके पूरा फुल आपका उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और नया सिम्टम डाल के उसको आपने सेपरेट करना है उसको, ताकि डिफरेंट रेपर्टरीज टू, ठीक है, हमारे लिए सारे साइंटिस्ट जितने भी रेपर्टरी के हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, कि उसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिस तरह हमारे पास कंप्लीट रेपर्टरी है और कि कौन सी रेपर्टरी ज्यादा अच्छी है कौन सी बुरी है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि देखिए आपके पास ये एक रूब्रिक है, आपके सामने भी ले आता हूँ ताकि आपको खुद अंदाजा होगा कि इसमें हम कितना वो कर रहे हैं, ये अगर आप देखें तो ये देखिए एक रूब्रिक है हमारे पास इंप्रेशनेबल, ठीक है, सर म्यूट कर इसमें देना आप रूब्रिक है उनको, 54 मेडिसिन, किसी का माइक ओपन है उनको म्यूट कर दे प्लीज, बाद में रिकॉर्डिंग को भी जी प्लीज परेशानी हो प्लीज मैं जाएगी। कर देता हूँ जी प्लीज, तो ये जो एक रूब्रिक है इम्प्रेशनेबल है रूब्रिक, ठीक है, अब मैंने आपको इम्प्रेशनेबल यहाँ से रूब्रिक उठाई है, अब इसको अगर आप देखें तो डिफरेंट जगह देखें तो आपको मिलेगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से उठा के बताता हूँ मैं कि इनका क्या क्या आपस में इंटरलिंक्स होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये रेपर्टरी एग्जरेट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, तो इस तरह अपना, लेकिन ये होता है कि आपको पता होना चाहिए
ये जो है डिप्टी के आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी, फिर आपके आपके पास उसकी दलील भी होनी चाहिए, रेफरेंस भी होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका देखें, ये मैं ब्रश लेवल की रूब्रिक उठा के बताता हूँ। मैं यहाँ से आप चले जाएं, ये रूब्रिक यहाँ पर 47 आ रही है, ठीक है। इसी तरह क्लार्क दे रहा है, बाकी तो दे क्लार्क दे रहे हैं जी, इसमें देखें कोई मेरा ख्याल एक दे रहा है, बोगर दे रहा है वो 2 दे रहे हैं। अब हम जाते हैं जी कि अपना कंप्लीट रेपर्टी कितनी मेडिसिन दे रही है। जब आप दलील से बात करते हैं तो आप पे कोई इतराज भी नहीं करता। अब ये देखें इंप्रेशन एबल अगर आपको नजर आया हो तो ये कितनी रुपए की नजर आती है, इसमें मेडिसिन नजर आ रही है, नजर आ रही है आपको ये कितनी है? 647। 647। आप मुझे बताएं ये कुछ ज्यादा लंबी नहीं छोड़ता? असल में क्या हुआ, करे क्या करें बताइए फिर आप। यहाँ मैं पे आपको फाइव ना फिफ्टीन है, यहाँ पे 647 है, करे तो क्या करें जैसे बच्चे लोग। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। किसी ने पूछा जी आपका नाम क्या है, कहते जी मेरा नाम है पूजा, कहता मेरा नाम भी पूजा पर इतना जुलम नहीं है, ठीक है। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये कि थोड़ा सा बंदा अगर इतनी ज्यादा को उठाता है रुब्रिक लगाता है, रुब्रिक में इतनी मेडिसिन दे रहा है, इसका मतलब ये होता है कि लंबी चोट है। दूसरी बात है इसके पास आपके पास क्या तरीका क्या होता है ये देखने का, कि उसका जिस तरह सिंथेसिस वाले ये दूसरे इन लोगों ने पीछे रेफरेंस दिया होता है, हमने ये बात कहाँ से उठाई, क्यों उठाई और किस जगह से उठाई, और उसका लॉजिक होना चाहिए। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, इसको मैंने आपने जिसने कह दिया था ये वो नॉन साइंटिफिक बंदे ने कह दिया कि ये इसमें इंप्रेशन एबल भी ने देखा है तो वही इसको उठा के डाल दी। कोई रेफरेंस नहीं है, सॉलिड रेफरेंस नहीं है, यानी अगर जो बंदा काम करता है वो प्रॉपरली पीछे उसने किसी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को उसमें कॉन्फ्रेंस में अपना आर्टिकल पढ़ा हो, किसी जगह पब्लिश्ड हो ऑथेंटिक अदारे में, तो उसका कहना चाहिए, तो उसके बाद आप डाल सकते हैं, सेंड डाल सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा एग्जरेशन होती है, तो इस तरह कई रूब्रिक ऐसी हैं कि उसमें फिर आप बिलीव भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप देखेंगे किस रेपर्टरी पे कितना डिपेंडेंस हो, ये आपको ये एक्सपर्ट होंगे जब आप आगे चलते रहेंगे तो आपको फील होगा कि कितना डिपेंडेंस होना चाहिए क्या ये। अच्छा फिर उसके बाद फिर आपको अगर कोई खुदा ना आपके पास नहीं है, लेट्स सी आप कहते हैं यार मुझे तो मैंने इस रेपर्टरी में रूब्रिक देखी ये कहीं है ही नहीं है, सिर्फ जहां मिल रही है, तो फिर आप उसके ना पेशेंट के कोई और सिम्टम लेके तो उसको कंफर्म करें किसी और एंगल से, क्या ये बंदा ऐसा है, ये पेशेंट के अंदर ये सिम्टम है, फिर उसको डिटेल से पढ़े तब डिपेंड करें। कुछ रेपर्टरी पे तो आंखें बंद करके आप, किस तरह हमारे पास सिंथेसिस रेपर्टरी है, इन रेपर्टरीज पे आप आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेपर्टरी ऐसी आप रेफरेंस। एनी क्वेश्चन प्लीज। सर पूछना था एक सवाल कि कोई मरीज कहे दे कि भाई उस हादसे के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद मैंने तो गाड़ी की चलान छोड़ दी, मैं तो अभी कार भी नहीं चलाता हूँ, उस रास्ते से भी नहीं गुजरता हूँ, या तो फला बिन फला शख्स से जो बातें हुई थी उसका चेहरा तक नहीं देखता हूँ, या ऐसी सिचुएशन से गुजरा हूँ तो उस अस्पताल में भी नहीं जाता हूँ, उस डॉक्टर के पास भी नहीं जाता हूँ, तो इसमें भी सेम रूब्रिक अप्लाई हो सकता है? जी या देखिए तो पहली ऐसा कभी बात है कि एक्सीडेंट्स आपका होते हैं, मतलब वो छोड़ ही देना, वो सारी चीजें छोड़ देना, वहाँ का सफर छोड़ देना, वहाँ की जर्नी छोड़ देना, वो कार या तो जो भी है, या तो एरोप्लेन होते हैं वहाँ पे ट्रेन में गुजरना, जो भी क्लॉस्ट्रोफोबिक बन जाते हैं कभी, क्या हो जाता है? अक्सर जितनी बातें आपने की है ना सिर्फ इकोनाइट की हैं आपने जितनी बातें जी आपने की है ना मतलब उसमें मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सी आप इसको अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ, यानी आपका एज ए होल आकर देखे तो सारा एक्नाइड का वर्जन था, ये जितनी बातें उसको डिफरेंट रूब्रिक लगेंगी लेकिन इसमें रूब्रिक सारी एक्नाइड की। मिसाल देता हूँ मैं आपको, देता हूँ मैं जैसे अभी हमारे वो पास ये आपका लेक्चर अभी रिसेंटली पढ़ा हूँ, वो भी मैंने सुना था, वो भी दो जी तीन दिन से जो चल रहा था।
जी थैंक यू जी। आप देखे ना ये फ्राइट है, ये देखिए मैं इसमें एकोनाइड में फ्राइट भी आ गया, साइट भी आ गया, एलमेंट फ्रॉम एक्सीडेंट साइट एन। देखिए टोटल तीन मेडिसिन है, नजर आई आपको? एलमेंट ऑफ फ्राइट एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ एन, ठीक है। फिर है, उसके बाद क्या होगा, एंटिस्पेशन स्टेज फ्राइट, एंटिस्पेशन आ गया, एंजाइटी फ्राइट आफ्टर आ गया, ये सारी बातें जितनी भी आपने मुझसे की ना ये सारी हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये आप उसको एंटिस्पेट भी कर रहे हो, तो इस तरह आपने जितनी भी बातें की ये सारी एकोनाइट की थी। बस ये आप मर्ग साल इसके नजदीक नहीं ना आ रही है, लेकिन मर्ग साल होगी नहीं है बस। बहुत खूब बहुत खूब, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये आजकल, अच्छा मैं आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट वे से कर एक रूब्रिक पढ़ाता हूँ, और वो एक मेडिसिन पकड़ी हुई मैंने। तो ये बेसिकली एक आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है कि जितनी मैंने, अगर आप इसके वो कंपाइल कर लिए करें, ताकि चूंकि ये मेरे पास इतना काम होता है, फिर आप उसको सेंड कर, जितनी भी रूब्रिक है ना वो एकोनाइड की है। ये बड़ा फ्रूटफुल है ये कि आपको एकोनाइड का पूरा वर्जन मिल रहा है, जितनी इंपॉर्टेंट रूब्रिक होती है मैं उसमें डाल देता हूँ, ताकि आपको एक रेमेडी बड़ी, किसी रेमेडी को, किसी भी मेडिसिन को आप किसी को अंडर एस्टिमेट मत किया करें। उसकी वजह होती है कि इतने डेप्थ होती है इनके अंदर, इतनी डिटेल होती है कि जब आप, अभी मैंने जिस तरह आपको वर्जन, आपको ये पीछे मैंने रूब्रिक की है, तो उसका मैंने इतना क्लैरिटी के साथ बताया है कि ऐसा क्यों करता है, और आपस में आप कई दफा इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है चीजों का, तो उसमें अब हमें उसमें समझ नहीं आती, ये वाली रूब्रिक उठाए, ये उठाए, ये उठाए। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा चांस होता है कि आप उनको ये डेली की डेली रूब्रिक को देखें, और उसके ऊपर नीचे थोड़ा सा अगर आप कमेंट्स दे दें, तो मुझे खुशी होगी कि आपने पसंद किया है, नापसंद किया है, कोई उसमें इश्यूज आते हैं, तो हमें खुशी होती है। आपको उसमें किसी चीज में कहते हैं यार ये चीज है, मजीद एलेबोरेट करें, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने जब रूब्रिक एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको फिर उसको मजीद उसको कर सकते हैं। तो आप अपने शेयर इनपुट लाजमी दे दिए करें। आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोगों ने पार्टिसिपेशन की, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर संजय, थैंक थैंक यू यू, वेरी थैंक यू सो मच मच। सर, डीप ग्रेटिट्यूड सर, बहुत बढ़िया केस, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक अच्छा यू। वैसे मैं आपको, अगर आपकी पार्टिसिपेशन इससे रही, तो आपके सामने ना मेरा एक प्रपोजल ये है, अगर आप उसपे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो तो मुझे खुशी होती है। एक मेरे पास डिफरेंट मेडिसिन की पर्सनालिटीज हैं, मिसाल देता हूँ कि सल्फर है, वो सल्फर का पेशेंट बर्सन है, तो वो आपके सामने मैं आके बिठाऊंगा इधर, उसकी पूरी पहले उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपने जो भी बातें आप करते हैं उसे करें, जो उसका जवाब आएगा वो सल्फर का होगा जवाब, फिर उसकी रूब्रिक लगानी होगी, अब होगी सल्फर के अंदर, यानी पूरी पर्सनालिटी ही सल्फर है। इसी तरह उसका जो वर्जन भी होगा, चाहे आप जैसा मजाक उसके साथ करना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते, जनरलाइज क्वेश्चन पूछें, कम ऐसे आप जो सवाल पूछेंगे, जो बताएंगे, तो वो सल्फर। इसी तरह मर्ग साल है, क्यूप्रोमेट है, इस किस्म की मेरे पास ना, मैंने लोगों को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, वो पर्सनैलिटी सिलेक्ट करके रखी हुई है। उन पर्सनैलिटी का ये फायदा होता है कि आप जब भी उनसे, वो पर्सनैलिटी है ही सब, पूरी मेडिसिन है वो। तो इसी तरह अगर आप अपने अपना इंटरेस्ट शो किया, तो आई विल, मैं उसको सेशन में आपके साथ इंटरेक्ट करा सकता हूँ। फिर आप थोड़ा सा, फिर आपको मैं पहले से बता दूंगा कि आप तैयारी करके आए, उस रेमेडी मेडिसिन को पढ़ करा दें, तो आपके फिर आज ये मैं होगा कि बिल्कुल आप, सर, जो भी मेरा एक मुश्किल मशवरा है कि अगर आप ये इसको 2-4 दिन पहले अगर हम एज एडवर्टाइजमेंट की बात रख दें, या तो फिर जिस दिन भी हमारा ये होना है, मीटिंग होनी है, तो सुबह से हम ऐसा पीछे पड़ जाएं कि या 2 दिन पहले कि आपको ऐसे पॉलीक्रिस रेमेडी पढ़ाई जाएगी या तो फिर ऐसी पर्सनलिटी दिखाई जाएगी, तो जी, बेहतर रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा, ये हाँ कहना है। उसमें ये अच्छा, इसका फायदा क्या होता है कि आपको कभी भूलेगी नहीं। वैसे हम आपको, मैं समझा दूं ना, तो फिर आपको कुछ अरसे के बाद स्किप हो जाती है वो, जब पर्सन से आप खुद क्वेश्चन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर आप खुद उसमें रूब्रिक भी निकालेंगे, तो आपका जो समझ आने का तरीका है वो कभी आपको नहीं भूलेगी। चलेंगे, थैंक यू टू ऑल, जितनी मैक्सिमम लोग होंगे ना, सब उतना मजा आएगा, तो उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल,
इंशाल्लाह जी जी तय कर लेंगे कुछ प्रोग्राम। जी चलो चलो, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू।